गाइस, व्हाट्स अप? होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल. अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल. तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल, अमेजिंग सा एक हेयर पैक, जिसे अप्लाई करने के बाद आपके हेयर मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे. अगर आपके फ्रीजी हेयर है, डल हेयर है, रफ हेयर है, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है, तो विंटर में तो मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं. तो आपको उन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा अगर आप इस हेयर पैक को रेगुलर बेसिस में फॉलो करते हो. तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एक लाइक ज़रूर कर देना. तो कीप वॉचिंग टू फाइंड आउट. इस हेयर पैक की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कर्ड, मतलब दही. तो आपको पहले ही दही ले लेना है. आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप जितना चाहे आप ले सकते हो, कोई लिमिटेड नहीं है. देन उसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एल्प्स गुडनेस की नीम एंड तुलसी पाउडर. अगर आप चाहो तो, अगर आपके पास कारी लिप्स पाउडर है तो आप कारी लिप्स पाउडर भी ऐड कर सकते हो. उसके बाद आपको ऐड करना है 1 to 2 टेबल स्पून हनी. उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है 1/2 लेमन जूस. अगर आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी ट्रीट करेगा. देन अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए और फिर आपको इसको अप्लाई करना है. अगर आप चाहो, आप कंफर्टेबल हो, तो आप इसके अंदर, इस हेयर पैक के अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी आप डाल सकते हो. जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गया है, तो मैं अभी इस हेयर पैक को आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी. आप अपना कोई भी ओल्ड क्लॉथ ले लीजिए ताकि जो हेयर पैक है वो मेसी ना हो जाए. आप मेक श्योर कीजिए कि आप ये बाथरूम में ही करें, क्योंकि थोड़ा सा मेसी हो जाएगा ये जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो. और फिर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ. अच्छे से पूरे बालों पर आप अप्लाई कर लीजिए. देन लीव इट फॉर 45 to 1 आवर, 45 minutes to 1 hour, एंड देन वॉश कर लीजिए विथ अ माइल्ड शैम्पू एंड कंडीशनर. हेयर पैक की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है दही, जो हम सब लोग जानते हैं कि अपने हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है दही. और जब आप उसे अपने स्किन पे या फिर अपने बालों पे लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. अगर मैंने यहाँ पे लेमन जूस ऐड किया है, अगर आपकी डैंड्रफ की इश्यूज है तो लेमन जूस उसे भी ट्रीट करेगा. देन मैंने नीम एंड तुलसी पाउडर ऐड किया है, जो आपकी डैंड्रफ को भी हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे. एंड मैंने हनी ऐड किया है, जो डेफिनेटली आपकी बालों को मॉइस्चराइज्ड करेगा, डैमेज्ड बालों को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो आई होप कि इस हेयर पैक को अप्लाई करने के बाद आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि 1 घंटे से ज़्यादा आप इसको अप्लाई करके मत रखना, क्योंकि देन वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है. देन जब आप उसको वॉश करेंगे ना, तो आपके हेयर फॉल की इश्यूज हो सकते हैं आपको. सो आप 45 minutes to 1 hour आप रख सकते हो, देन अपने बालों को वॉश कर लेना. ठीक है, आपको इस हेयर पैक को, जो भी इंग्रेडिएंट मैंने बोला है, इन सभी को आपको अच्छे से मिक्स करना है. देन अपने पूरे बालों पर इसको अप्लाई करना है, हेयर रूट से लेकर आप अपने स्कैल्प पे भी इसको लगाना. देन आपको एकदम हेयर एंड्स तक आपको इसको लगाना है. देन आपको इसको 45 minutes to 1 hour आपको इसको रखना है. आप अगर चाहो तो कोई भी शावर कैप या फिर स्पा, हेयर स्पा कैप भी आप पहन सकते हो. देन आपको कोई माइल्ड शैम्पू से आपको अपने बालों को धो लेना है, वॉश कर लेना है. आपको कंडीशनर को भी फॉलो करना है हेयर वॉश करने के बाद. ठीक है, जब भी आप इस हेयर पैक को यूज़ करेंगे ना, जब आपके बाल सूख जाएंगे, देन कॉम्ब करना है, उसके बाद यू कैन डेफिनेटली सी द डिफरेंस. बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा. आपको इसको आप चाहो तो वीक में भी फॉलो कर सकते हो एक बार, या फिर आप मंथ में 2 बार भी इसे फॉलो कर सकते हो. मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे हर वीक में आप इसे यूज़ करें, ताकि आपकी जो फ्रीजीनेस है, आपकी जो डैमेज्ड हेयर है, वो कंट्रोल में धीरे धीरे आ जाए. सो आई थिंक
वीडियो से थोड़ा हेल्प तो मिला ही होगा। अगर हेल्प मिला है, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रही है वीडियो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, नीचे कमेंट करके बोलना अगर आपने यूज़ किया है इस हेयर मास्क को तो। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।